अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेट व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चिंजी नेशनल पार्क की सैर करने के लिए। तो रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। ये चिंजी नेशनल पार्क का बोर्ड है, मेन एंट्रेंस है। तो अभी फ़िलहाल हम रास्ते में हैं, तो जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाते हैं चिंजी नेशनल पार्क का, जो बहुत ही खूबसूरत पार्क बना है। ये देखें चिंजी नेशनल पार्क। तो हम बस कलरकार और ये बाबा पीरनाड़ा और शेरयार होटल पे ही हम तो घूमते फिरते रहते हैं। ये देखें यहाँ चिंजी में एक ये रेस्ट हाउस बना है, उसके अंदर की ये मनाजर है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये देखें चिंजी ऊपर हाइट पे छोटा सा गांव है, और उसके बिल्कुल ये देखें नीचे एक झील है बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें चिंजी के पहाड़, खूबसूरत व्यू माशाल्लाह से। कुछ पिक्चर भी मैंने लिए हैं तो सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मनाज़र हैं अच्छे, और ठंडा इलाका है। ये देखें छोटे छोटे पानी के तालाब से बने हुए हैं, और ये झील तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत झील है। ऊपर परिंदे घूम रहे हैं। तो हम कलरकार से हटकर भी हमें यहाँ भी आना चाहिए। ये बहुत ही हमारा चकवाल और तलगंग का बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन हम बस वो भाग भाग कर नक्का वाले पुल के नीचे जाकर वहाँ ही बस फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हमें जाना चाहिए इधर उधर, खूबसूरत इलाके हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये झील तो बहुत ही खूबसूरत है। इस बार मैंने इसके 3-4 छोटे छोटे व्यू लिए हैं। ऊपर देखें ये परिंदे उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और ये देखें घना जंगल है ऊपर हाइट पे माशाल्लाह से। ये चिंजी है, चिंजी एक गाँव है छोटा सा। तो नीचे जंगल, घना जंगल, और ये देखें पत्थर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। आप ज़रूर विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ जाएं, ये आप कलरकार को भूल जाएंगे। तो ये झील तो मुझे बहुत पसंद आई। बस इसमें कश्तियां वगैरह छोड़ दें, बोट और बच्चों की सैर व तफरी के लिए थोड़ी सी इस पे हुकूमत अगर नज़र और डाले तो ये बहुत अच्छा पार्क बन सकता है। तो इस पर मेहनत तो हो रही है, काम हो रहा है। ये देखें ऊपर और बहुत ही बुलंदोबाद पहाड़ हैं, तो घना जंगल, और बहुत ही पिक्चर बहुत अच्छी आती है इधर। ये एक छोटा सा हाइट पे इन्होंने बना दिया है रेस्ट हाउस, जिसके अंदर की एक मैंने पिक्चर ली थी वो आपसे शेयर की है। इस हाइट पे आप जाके नीचे बहुत ही खूबसूरत, और माशाल्लाह से ये झील साफ पानी है, कुकिंग के लिए भी काम आती है, क्योंकि जो विज़िटर आते हैं सैर व तफरी के लिए तो ये कुकिंग के लिए पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है माशाल्लाह। एक ही झील है और ख़ूबसूरत झील है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल जेट व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।